हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता की किचन से। आज मैं वेज मोमोज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादातर हम सभी को वेज मोमोज बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसमें वेजिटेबल्स भी डाली जाती है तो इसलिए बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। वेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 125 ग्राम्स मैदा लिया है। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और इसके बाद में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 60 ml पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटे को तैयार करने के बाद में अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको आटे पर लगाएंगे और अच्छे से इसको दोबारा से हम गूंथ लेंगे। ऐसा करने से आटा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, आटा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए एक बाउल के अंदर ढककर रख देंगे। तो इसके बाद में अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो 80 ग्राम्स मैंने गाजर ली है जिसको ग्रेट कर लिया है, 200 ग्राम पत्ता गोभी इसको भी ग्रेट कर लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 2 चॉप ग्रीन चिली ली है बारीक काट लिए, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद सिरका लिया है और 1/2 टीस्पून सोया सॉस लिया है, और 10 से 12 गार्लिक हम चॉप कर लेंगे जो कि मैं डालना भूल गई थी। तो चलिए अब हम इसको सब्जियों को सोटे कर लेंगे। यहाँ पर पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद में अब हम प्याज और हरी मिर्च को सोटे कर लेंगे। 1-2 सेकेंड के लिए सोटे करना है हमें। अब इसके बाद में हम सब्जियां डाल देंगे, और आप चाहे तो जो भी आपको सब्जियां पसंद है वो डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने सब्जी को ग्रेट किया है, अगर उसमें ज़्यादा पानी हो तो आप उसको निचोड़ भी सकते हैं सब्जियों को। तो अच्छे से 2-3 सेकंड के लिए हम सब्जियों को सोटे कर लेंगे। इसके बाद में डालेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक, वेनेगर और सोया सॉस। और जहाँ पर हमने प्याज और हरी मिर्च को सोटे किया था वहीं हमें गार्लिक मतलब लहसुन को भी सोटे करना है। मैं उसको डालना भूल गई थी, उससे ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वेज मोमोज का। तो हम यहाँ पर हमने अच्छे से सब्जियों को सोटे कर लिया। तो गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्टीम के लिए बर्तन रख देते हैं। तो जहाँ पर आप ये मार्क देख रहे हैं वहाँ तक पानी डालना है, स्टैंड डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे, और 5 मिनट के लिए इसको हमें स्टीम करना है हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए, आटा भी हमारा रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है। आटे को एक बार और हम सेट कर लेंगे। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप भगोना ले लीजिए, उसके ऊपर कोई छलनी होती है वो डालकर भी आप अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर आटा लिया है। अब हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे और इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। अब हम इसको रोल करेंगे, अच्छे से बारीक बारीक रोल करना है, और इस तरह से हम लोइयां तोड़ लेंगे और बाकी आटे को हम ढककर रख देंगे जिससे कि आटा सूख ना जाए। अब इसकी लोइयां हम इस तरह से तैयार कर लेंगे बिना क्रैक्स के। अब हम इसमें से एक लोई ले लेंगे, सूखा मैदा लगाएंगे और हमें इसको पूड़ी जितना बेलना है। सूखा आटा हम बीच बीच में लगाते रहेंगे और बेलन से हमें एक छोटी पूड़ी जितना हमें इसको बेलना है, और किनारे इसके पतले रखने हैं हमें, और आटा कम ही लेना है। अगर आटा ज़्यादा हो गया है तो इसमें सब्जी का टेस्ट कम आएगा और आटे का मैदे का टेस्ट ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आप आटा थोड़ा ही लें। इसके बाद में हम स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर, और इस स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए। तो पानी लगा देंगे इस तरह से चारों तरफ, और अब हम इसकी चुन्नट बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें चुन्नटें बनानी है, चारों तरफ से हमें चुन्नटें बनानी है इस तरीके से जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।
अब सारी चुन्नटें बनाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हाथ को घुमाते हुए अब हम इन चुन्नटों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से बंद कर लेंगे घुमाते हुए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पहला वेज मोमोज बनकर तैयार है। तो इसको एक साइड रख देंगे। अब मैं आपको दूसरा बनाकर दिखाऊंगी। इसी तरह से हमें दूसरा भी बनाना है। तो एक लोई ले लेंगे, सूखा आटा लगा दे रहेंगे बीच बीच में और इसको छोटी पूड़ी जितना बेल लेंगे। और आप मोमोज को घर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इससे ये हाइजेनिक रहते हैं घर पर बनाने से। तो इस तरह से हम पूड़ी तैयार कर लेंगे और स्टफिंग करेंगे। यहाँ पर मैं एक चम्मच के करीब स्टफिंग कर रही हूँ। चारों तरफ पानी लगा लेंगे और इस तरह से हम चुन्नट बना लेंगे। चारों तरफ से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर चुन्नटें बनानी है। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको उन्हें मोमोज खिलाना है तो आप इसको थोड़ा सा स्टीम करके दोबारा से स्टीम कर सकते हैं और गरम गरम आप इसको सर्व करिए, क्योंकि मोमोज गरम गरम ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चुन्नटें सारे तैयार कर लिए हैं और सारी चुन्नटें अब हम मिला लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए हाथ को और इस तरह से बंद कर देंगे। हाथों को घुमाते रहें तभी अच्छे से डिज़ाइन बन पाता है मोमोज का। तो ये देखिए हमारा दूसरा मोमोज भी बनकर तैयार है। अब मैं आपको थोड़ा अलग डिज़ाइन में बनाकर दिखाऊंगी मोमोज को। वैसे तो मोमोज बहुत सारे डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोई ले लेंगे, सूखा आटा लगा लेंगे और एक छोटी पूड़ी जितना हम इसको तैयार कर लेंगे। अब स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग ले लेंगे और एक चम्मच के करीब इस तरह से डाल देंगे। और आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पर कैबेज जो है वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स से ज़्यादा रखनी है। तो अब हम आधे हिस्से में चुन्नटें बनाएंगे और इस तरह से आधे हिस्से में ही हमें इसको बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो ये बाकी का बचा हुआ हिस्सा है इसको गुंजिया की तरह इस तरह से पानी लगाते हुए बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारा दूसरे डिज़ाइन का मोमोज बनकर तैयार है। तो अब मैं एक बार और आपको पहले जैसा डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ। अब मैं इस तरह से बाकी की मोमोज भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मोमोज तैयार हैं। अब इसके बाद में इसको स्टीम करने के लिए इस तरह की छलनी लेनी है और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है चारों तरफ से। और अभी ये मोमोज हम इस छलनी के अंदर इस तरह से लगा देंगे। चलिए तो मोमोज को स्टीम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा अच्छे से स्टीम आ गई है स्टीमर के अंदर। तो इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हमें इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए हमारे मोमोज रेडी हैं और मोमोज अच्छे से पक गए हैं। इसकी एक पहचान है, मोमोज अच्छे से शाइनिंग करने लगते हैं, तो इसका मतलब मोमोज अच्छे से पक गए हैं। तो इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
और आप चाहे तो इसके ऊपर चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं, और आप चाहे तो मोमोज को फ्राई भी कर सकते हैं, और आप इसको मोमोज वाली चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ एक बार, और आप इसको गरम गरम ही सर्व करें क्योंकि ये गरम गरम ही बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय बाय।